आप देखिए 60 हर्ट्ज़, ये 144 हर्ट्ज़ है, स्मूथर गेम प्ले डिफरेंस देख रहे हैं। कुछ ऐसे आपके सिस्टम में गेम चल रही होगी और इसमें कुछ ऐसे, तो YouTube पे जो आपकी स्ट्रीमिंग देखेगा वो तो डेफिनेट। अच्छा, लैपटॉप लेने की प्लान कर रहे हैं जिसमें ऑफिस का भी काम हो जाए, गेम भी खेल ली जाए अच्छी खासी, मतलब 3 लेवल लिए जाएँ, नॉर्मल, एडवांस और मीडियम, तो मीडियम और एडवांस के बीच की गेम आप प्ले कर सकें, इसके साथ घर में भी काम हो जाए, मस्त लुक वाला लैपटॉप हो। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए, ये बेस्ट ऑफर चल रहे हैं इस टाइम अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे, आप परचेज़ कर लीजिए, और अगर आपको नहीं आपके दोस्तों को परचेज़ करना है तो भी ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप छांट के लाया हूँ मैं आपके लिए, टॉप 5 बजट लैपटॉप है इनके परचेज़ करने के, जो और लिंक है ना जिस पे आप ओरिजिनल प्रोडक्ट तक पहुँच सकें वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हैं, वीडियो के नीचे जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में क्लिक करिए और प्रोडक्ट परचेज़ करिए। तो सबसे पहले ये आसूस का TUF गेमिंग F15 लैपटॉप, इसकी सिंपल आप ये वीडियो देखना है यार, मुझे ज़बरदस्त लगा इसका इंट्रो, इन्होंने 90 वॉट बैटरी अप टू 12.5 आवर लाइफ ऑन गो। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना डिटेल गाइस, ये कंडीशंस होती हैं कुछ, मान लो गेमिंग करोगे तो वो उतना चला, 144 हर्ट्ज़ की इसकी डिस्प्ले जो है, फ्रीक्वेंसी रेट वो 144 हर्ट्ज़ है, इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वीडियो देखिए पहले, इस लैपटॉप की लुक देखिए आप, यूट्यूब पे सबसे स्पेशल वीडियो लाया हूँ मैं बेस्ट लैपटॉप के साथ आप लोगों के लिए, टफ गेमिंग F15 आसूस का लैपटॉप है, मस्त कंपनी है, मैं इसका लैपटॉप यूज़ कर चुका हूँ और मुझे बेहतरीन लगता है ये लैपटॉप। आसूस TUFI गेमिंग F15 15.6 इंच की डिस्प्ले का साइज है, बेहतरीन लैपटॉप है और गेमिंग लैपटॉप है, एक लुक कुछ ऐसी है इसकी एकदम शानदार ज़बरदस्त। अब देखो इस लैपटॉप की जो आप डिस्प्ले वगैरह का साइज़ देखो तो आप क्लियर कर चुके हो, मैंने बोला ये 144 हर्ट्ज़ इसकी डिस्प्ले फ्रिक्वेंसी रेट है, जिसकी डिस्प्ले फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है सर, ये अगर आप देखें 144 हर्ट्ज़, यानी कि 1 सेकंड में इसकी डिस्प्ले पे 144 इमेज शो हो सकती हैं। जब हम गेम खेलते हैं तो कुछ गेम ऐसी होती हैं जो 60 FPS यानी कि फ्रेम पर सेकंड से ऊपर की होती हैं, ठीक है, जो हमारे नॉर्मल लैपटॉप या कंप्यूटर पर लैग करती हैं वो इसमें सुपर चलेंगी। अगर आप मूवी देखेंगे 120 FPS पे जो रिकॉर्ड हो रखे हैं, गेम खेलेंगे आप वाकई गजब का डिफरेंस देख पाएंगे। अब इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है मैं बता दूँ, इंटेल का कोर i5 टेन जनरेशन से ऊपर का प्रोसेसर है इसमें, 10300H मस्त प्रोसेसर है, ओवरक्लॉक आप इस प्रोसेसर को कर सकते हैं जो कि कोई नहीं कर पाता ज़्यादातर। GTX 1650 टाइटेनियम का इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है, GDDR6 है, 4GB एक नंबर ग्राफिक कार्ड है, गेम खेलने के लिए बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद गेमिंग लैपटॉप है, 8GB रैम है जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं आगे चल के 32 और 64GB तक, 512GB SSD है। यूज़ करना अपनी इस SSD को आप लोग किस लिए, अपने गेम इंस्टॉल करने के लिए, और ऐड कर लेना, परचेज कर लेना एक अलग से हार्ड ड्राइव, और उस हार्ड ड्राइव को इंस्टॉल करना डेटा स्टोर करने के लिए 1TB की। आपको पता है ना SSD और HDD में क्या डिफरेंस है, अगर नहीं तो ब्लॉग पे जाके पढ़ लेना मेरे। अब इसका प्राइस है 58,999 रुपये, क्योंकि 60,000 तक की रेंज के लैपटॉप मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लगभग 60,000 के आसपास के। और वैसे अगर आप इसको बाद में परचेज़ करते हैं, 10 घंटे ये ऑफ़र और चलने वाला है, वीडियो हो सकता है लेट डले, तो आप अगर इसको तुरंत परचेज करते हैं तो आपको 25,000 रुपये ऑफ मिलेगा, 25,000 रुपये का डिस्काउंट अभी ये पड़ रहा है आपको। 58,990 का लैपटॉप तुम्हारा भाई गारंटी दे रहा है, बेहतरीन लैपटॉप है परफॉर्मेंस में, ठीक है, आप अगले 2 साल तक भी दिक्कत नहीं मानोगे कि मेरे को इसकी परफॉर्मेंस लेके दिक्कत आ रही है। इसके बारे में जान लो, अपग्रेड कर सकते हो आप विंडो 10 से 11 में, जब भी विंडो 11 आएगी, कंडीशन यही एक है। प्रोसेसर 10 जनरेशन 4.5 GHz तक जा सकता है ये, टर्बो जो इसका है आपका, और 10300H आप गूगल कर लेना। इस प्रोसेसर की कीमत ही खाली मेरी ख्याल से 20,000 के आसपास होनी चाहिए, 2.5 GHz इसकी बेस फ्रिक्वेंसी, 8MB कैशे है, और उसके बाद एक्सेस टू ओवर 100 हाई क्वालिटी PC गेम्स ऑन विंडो। अब वो हाई क्वालिटी कौन से, सिंपल यहाँ मैं बता नहीं रहा आपको, जो यूट्यूब पर वीडियो यहाँ पर उन गेम्स की लिस्ट है जो आप इसमें खेल सकते हैं, समझ रहे हो, वो सारी लिस्ट यहाँ पे देखें जो टॉप गेम यूट्यूब पे चलती हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल बना के गेमिंग करना चाहते हैं ना तो उसके लिए ये गेम चलती है और वो सब ये लैपटॉप सपोर्ट करता है। उसके बाद 1 मंथ सब्सक्रिप्शन एक्सबॉक्स गेम का पास आपको फ्री मिलेगा,
मेमोरी जो है इसकी 8GB DDR4 2933 है। जो पुराने लैपटॉप आपको YouTube पे मिल रहे होंगे उनमें ये 2666 फ्रिक्वेंसी आती थी MHz की। अब ये मेगाहर्ट्ज़ जो है रैम वो इन्होंने 2933 कर दी है, यानी कि कंपेयर कर सकते हैं अब हम रैम AMD के साथ। अपग्रेडेबल है 32GB, सॉरी आप इसको 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। ये जो सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, जिसकी कॉस्ट 140,000 रुपये बनी मुझे, वो भी अभी 16GB रैम पे चल रहा है और इसमें मैं दुनिया की हर गेम खेल पा रहा हूँ ईजिली। उसके बाद DIM2 स्लॉट है, इसके अंदर स्टोरेज 512 MIMVME, आगे आप देखोगे इसी वीडियो में NVMe.2 जो SSD होती है इसकी खासियत क्या है। ये समझो ये सबसे फास्टेस्ट जो डेटा ड्राइव आपके सिस्टम में यूज़ हो रही है अब तक की दुनिया में। ग्राफिक डेडिकेटेड है, स्पेशल है NVIDIA का, जो काम करेगा GeForce GTX 1650 टाइटेनियम, और ये 66 DDR6 है आपका और 4GB है ये वर्चुअल रैम कहते हैं जिसको हम। डिस्प्ले 15.6 इंच की है इसकी, LED बैकलाइट या FHD, और जो डिस्प्ले है वो फुल HD से ऊपर है आपकी, और 144 जो मैं बता चुका हूँ वो रिफ्रेश रेट है। एंटी ग्लेयर IPS लेवल पैनल विद 45% एंटी। अब क्या चाहिए सर 58,000 में आज की डेट में, चाइना इंडिया की वार की लिमिट आ रखी है, फिर भी प्राइस इतना बढ़िया मिल रहा है, तो परचेज़ कर लो जाके, लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, क्लिक करो और परचेज़ करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो लैपटॉप का, ठीक है। ये डिटेल्स हैं इसके बारे में, ये लैपटॉप की लुक है, एकदम सेक्सी लुक वाला लैपटॉप है, कहीं चलाओगे मेट्रो बस या ऑफिस में एकदम सुपर सेक्सी लुक दे रहा है लैपटॉप। यहाँ फ़ैन है इसके कूलिंग के, वजन आप देख ही सकते हो 2.3 kg है। इसके साथ ड्यूल मॉनिटर सपोर्ट करता है ये। अब देखो एक HDMI पोर्ट ये रहा आपके पास जिससे आप अपनी डिवाइसेस कनेक्ट करोगे, 1C टाइप 3.2 जनरेशन सेकंड का आपको यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है, C टाइप 3.5mm जैक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 3.2 फर्स्ट जनरेशन के आपको यहाँ पे USB पोर्ट मिल रहे हैं, एथरनेट यानी कि लैन जैक आपको यहाँ मिल जा रहा है, और क्या चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। अब उसके बाद यहाँ पे मिल रहा है आपको 1 Type 2.0 USB पोर्ट, कुछ स्पेशल डिवाइस जो अभी अपग्रेडेबल नहीं है तो वो कनेक्ट नहीं होती, उसके लिए कहाँ भागोगे। 1 Kingston लॉक, अब आप में से मुझे पता है बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये छोटा सा छेद लैपटॉप में दिखता है इसका यूज़ क्या है, इसको हम किंगस्टन लॉक कहते हैं, और ये किस लिए यूज़ होता है आप इस वीडियो में देखो दोस्तों। सिंपल ये लॉक है, आप इसको कहीं भी पाए से बांध दो इस तरीके से अपनी डिवाइस को, और इसको अपने लैपटॉप में ऐसे इस छेद में घुसेड़ना है आपने, और ये काफ़ी मजबूत होता है, पूरा फ्रेम यहाँ पे जाके जुड़ा होता है। अब आपने इसको यहाँ पे ऐड करा, ये लॉक आप डालोगे, ये लॉक हमने कर दिया, अब ये यहाँ पे फंस गया आपका लैपटॉप, आपके टेबल से कोई चुरा के नहीं ले जा सकता, उसके लिए ये लैपटॉप में सिस्टम दिया गया। अगर आपको पता था ना तो ठीक है, नहीं पता था तो कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे लगता है ये ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। अब जो इसकी कूलिंग टेक्नोलॉजी वो भी ज़बरदस्त है, पर ये डिज़ाइन जो इसमें ग्राफिक कार्ड अलग अलग ऑप्शन है, ग्राफिक कार्ड के अकॉर्डिंग ये चेंज होगी, मैं आपको पहले ही बता दूं। सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है, सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है, अपने आप ये जो फ़ैन है उसको क्लीन करेगा। ड्यूल फैन डिज़ाइन है इसमें, ऑपरेटिंग मोड्स हैं, ऑप्टिमाइजिंग कूलिंग है, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से स्पीड फ़ैन की। जो इसकी बॉडी की टफनेस है ना वो लिटरली मुझे बहुत पसंद आई है इस लैपटॉप के अंदर, मिलिट्री ग्रेड टफनेस है इसके अनसाइड और बाहर, मतलब आप मिलिट्री ग्रेड तो खैर लिखने वाली बात हो गई आप भी जानते हैं, पर हाँ ऐसा नहीं है जो कुछ कंपनी के जिनके मैं नाम लेके यहाँ पे अपनी एस्तेसी नहीं करा सकता, पर कुछ कंपनी है जिसका एक लैपटॉप मेरे पास है हल्का सा मैंने तेज रख दिया वो साइड से क्रैक हो गई बॉडी, तो वो लैपटॉप ये नहीं है, मस्त लैपटॉप है, मैं तभी तो बोल रहा हूँ बेस्ट है, आप परचेज कर सकते हैं। 10th जनरेशन i5 300H प्रोसेसर है इसका, 10th जनरेशन 4.5 अप टू जो इसकी मैक्सिमम टर्बो स्पीड है वो आपकी क्लॉक जो गीगाहर्ट्ज़ है क्लॉक स्पीड वो 4.5 गीगाहर्ट्ज़ तक है। 4 Core 8 Thread हैं। अब जिनको नहीं पता कोर क्या होते हैं और थ्रेड क्या होते हैं तो एक चीज़ समझ लो, एक कोर के अंदर 2 Thread होते हैं, एक मान लो आप जितने ज़्यादा थ्रेड उतने ज़्यादा प्रोसेसिंग उतने ज़्यादा काम कर सकते हो, यानी कि जैसे मान लो कोई जो गेमिंग PC यूज़ करते हैं हम 6 Core 8 Core के यूज़ करते हैं, यानी कि उनमें हम एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे मान लो वीडियो एडिटिंग भी कर रहा हूँ चल रही है बैकग्राउंड में, मेरा OBS भी सही काम कर रहा है, गेमिंग भी कर रहा हूँ मैं, और मैंने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी अपना सॉफ्टवेयर चला रखा है,
एक वीडियो कैप्चर डिवाइस भी फंक्शन करती है। तो बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेस हो रहे हैं, वो इन कोर्स के ऊपर ही होते हैं। कुछ ऐसे समझ लो, एक बंदा था, हमने गब्बर ले लिया और उसका एक हाथ था, अभी वो एक हाथ से ब्रूस ही कर पा रहा है। अब आज गर्लफ्रेंड वाला ज़माना है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे बात करनी है, तो मान लो मैं वन कोर पीसी हूँ, एक कोर वाला सिस्टम हूँ, यानी कि मेरे पास दो थ्रेड हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक हाथ से मैं ब्रूस कर रहा हूँ और दूसरे हाथ से अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग भी कर पा रहा हूँ। तो सिंपल एग्जांपल है, जितने ज़्यादा थ्रेड जितने कोर उतनी अच्छी प्रोसेसिंग। पर डिपेंड, अब एक क्वेश्चन यहाँ एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूँ जवाब एक क्वेश्चन का, कि कितने थ्रेड और कोर होने चाहिए सिस्टम में। तो उसका सिंपल आंसर है सर, कि अगर मान लो आपका काम है सिर्फ मूवी देखना, वर्डप्रेस वगैरह, आप सॉरी एमएस ऑफिस यूज़ करना, ऑफिस वर्क करना, तो 12 कोर कॉर्टीड्यू i3 i5 भी आपके लिए बेस्ट है, यानी कि दो कोर और चार थ्रेड का सिस्टम भी बेस्ट है। अगर आप गेम खेलना चाहते हैं और प्रो लेवल पे लुक सिस्टम में चाहिए और एकदम ब्लैक करवाना ही नहीं है आपको, तो ये कॉन्फ़िगरेशन पे जाना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास सेकंड पीसी, एचपी पवेलियन गेमिंग पीसी, 15.6 इंच 339.62 cms यानी कि सेंटीमीटर इसकी डिस्प्ले, फुल एचडी गेमिंग लैपटॉप है ये। एचपी पवेलियन जो गेमिंग लैपटॉप है, इसकी सबसे बेस्ट फीचर मुझे क्या लगा, एक तो इसकी प्राइसिंग सर, 53,000 रुपये इसकी कीमत है। अब इसकी खासियत क्या है, फुल एचडी गेमिंग लैपटॉप है, एएमडी प्रोसेसर में आता है ये, इंटेल में नहीं है, ये एक बात आप जान लीजिए। और एएमडी जाना जाता है गेमिंग के लिए, अगर आप सर्च करें, आप मार्केट जाइए, बोलिए आई नीड अ पीसी फॉर प्लेइंग गेम्स और डूइंग लाइव स्ट्रीमिंग, दे विल डेफिनेटली सजेस्ट यू अ एएमडी बेस्ड लैपटॉप और कंप्यूटर। सो एएमडी की डिसएडवांटेज कंप्यूटर में यही लगती है, अगर इसका ग्राफिक कार्ड फूक गया तो आप इसको नहीं चला सकते। इंटेल में क्या होगा कि इंटेल में बिना ग्राफिक कार्ड के भी सिस्टम पर बेसिक काम आप कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है कि एएमडी कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें प्राइसिंग कम है, इंटेल थोड़ा महंगा होता है, इसी वजह से। अब 53,000 में भी आपको 16,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। इस लैपटॉप की कीमत वैसे सर कितनी आप देख सकते हैं यहाँ पे, 70,000 रुपये का ये लैपटॉप है। और आप इसको हर महीने यहाँ पे ये भी दिया है ईएमआई मिनिमम कितनी करा सकते हैं, तो 2,500 रुपये महीना ईएमआई करा सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगा ईएमआई कराने पे महंगा पड़ जाएगा। नो कॉस्ट ईएमआई का एक ऑप्शन मिलता है ये वाला, आप इसको सेलेक्ट करना, तो आपको ये पीसी बजट में ही पड़ेगा। अब इस पीसी की भी एक वीडियो है, जैसे मैंने हर पीसी की ऐड कर रखी है, तो इसकी ये वीडियो है, स्मॉलर फ्रेमर देन कैसा दिखेगा, ये लुक देखिए आप। 8th जनरेशन इसका GTX 1060 जो प्रोसेसर है वो इसमें यूज़ करा गया, आप एक बार वीडियो देखिए डिटेल में, आपको अच्छी लगेगी। सुपर गेमिंग एंटरटेनमेंट मशीन है, कोई भी गेम खेलिए आप, देखिए 60Hz, ये 144Hz है, स्मूथर गेम प्ले डिफरेंस देख रहे हैं। कुछ ऐसे आपके सिस्टम में गेम चल रही होगी और इसमें कुछ ऐसे, तो YouTube पे जो आपकी स्ट्रीमिंग देखेगा वो तो डेफिनेटली लाइक कवर करके ही जाएगा वीडियो को और सब्सक्राइब। चलिए इस लैपटॉप का इंट्रो आपने देख लिया, आगे लैपटॉप की बात कर लेते हैं। तो प्ले इट कूल 8% इन इंक्रीज इन मैक्स एयर फ्लो 42 decibel, जो इसका साउंड हम मेजर करते हैं, मतलब जो फैन से आवाज़ आएगी वो 42 decibel है, बहुत ही कम है। लार्जर इफेक्टिव आउटलेट साइज है, ये देखेंगे आप, ये जो पूरा पोर्शन यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये पूरे में इन्होंने एक गैप दिया गया है यहाँ पे, देखिए मैं इसको दोबारा एक सेकंड पेन सेलेक्ट नहीं हुआ, ये जो पोर्शन है ये यहाँ इन्होंने गैप दिया है ताकि एयर फ्लो मेंटेन रहे और आपका सिस्टम हीट ना करे। प्रोसेसर AMD Ryzen 5 आपका इसके अंदर 4600 सीरीज इन्होंने यूज़ करी है। बेस फ्रिक्वेंसी पिछला जो लैपटॉप 58,000 या 57,000 का आपने देखा उससे ज़्यादा है, इसकी 3GHz बेस क्लॉक है, अप टू 4GHz जा रहा है, लेकिन मैक्स जो है वो कम है, उसमें टर्बो 4.5 था, यहाँ पे 4GHz है, तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ है ही। और 3MB इसकी कैशे है, L2 कैशे है, और 6 कोर हैं इसके अंदर सिस्टम के अंदर, उसमें 4 कोर थे इसमें 6 कोर हैं। डिस्प्ले कोर क्या होता है, जब आप एक प्रोसेसर को ओपन करेंगे ना, आप देखेंगे किसी भी प्रोसेसर में यहाँ आपको कोर एक फिजिकल डिवाइस है जिसको आप देख सकते हैं, पर थ्रेड जो है वो फिजिकल डिवाइस नहीं है, वो नहीं दिखती, वो एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है जो इंटेल लेके आया है, और इंटेल का ही है वो सिर्फ, पर कोर हर कंपनी यूज़ करती है। डिस्प्ले 15.6 इंच आप पढ़ चुके हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 होम के साथ आता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ग्राफिक कार्ड NVIDIA G4 GTX 1650 है। लॉकडाउन और पैंडेमिक की मदद से इस ग्राफिक कार्ड की कीमत बीच में 35,000 रुपये के आसपास हो गई थी, अभी ये लैपटॉप आपको मिल रहा है 52-53,000 में। AMD Ryzen ये सीरीज है, ये प्रोसेसर है, और इस लैपटॉप की लुक भी सेक्सी है, एकदम मस्त लैपटॉप लगेगा ये आपको। अब आप में से किसी को लोगों को कन्फ्यूज़न होगी AMD Ryzen के बारे में, तो यहाँ पर मैंने ये कुछ डिटेल उनकी वेबसाइट से ली है। जनरल स्पेसिफिकेशन 6 कोर हैं, बेस फ्रिक्वेंसी 3Hz, डिफॉल्ट TDP 45W, CPU FP6 है, सपोर्ट करता है विंडो 11, विंडो 10, आप इसमें रेड हैट डाल सकते हैं, Ubuntu डाल सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट फैमिली AMD प्रोसेसर है। थ्रेड कितने हैं इसमें,
इसमें 12 थ्रेड हैं। जो मैं ये सिस्टम 1 लाख से ऊपर का यूज़ कर रहा हूँ वो आपको 53,000 में पड़ रहा है। मेरे सिस्टम में 6 कोर और 12 थ्रेड हैं और आपके सिस्टम में भी 6 कोर 12 थ्रेड 53,000 रुपये में। L3 इसमें 3 MB की L2 कैशे है और ये बाकी की डिटेल हैं आप पोस्ट करके पढ़ लीजिए। और ये जो सीरीज़ है ये कोई 10 साल पुराना प्रोसेसर नहीं बता रहा मैं आपको, ये मात्र अब से कितना 1 तारीख 6 महीना 2020 ओनली 1 ईयर इसको हुआ है अभी। तो ये इसकी डिटेल थी और ये सिस्टम मेमोरी टाइप ये सपोर्ट करता है DDR4 रैम 3200 mAh की और जो पिछला इंटेल की थी वो 2999 की थी, ये 3200 की है। तो यहाँ आपकी रैम भी बढ़ जाएगी DDR4 4266 वर्चुअल मेमोरी सपोर्ट करता है ये। तो ग्राफिक कैपेबिलिटी तो इसकी आप यहाँ देख ही सकते हैं, ग्राफिक कोर काउंट 6, ग्राफिक फ्रिक्वेंसी 1500 mAh। और क्या चाहिए सर, जान लोगे क्या बच्चे की। सो इसकी लुक ऐसी है कुछ, आप देखिए 1.98 KG का ये है 3. ये इसमें एक चीज़ अच्छी है, इसमें आप मैक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं अपना, SD कार्ड जो आता है 3.5 mm यहाँ पे जैक है, ये आपका सी टाइप सी पोर्ट है, उसके बाद ये एथरनेट पोर्ट लैन पोर्ट जिसको कहते हैं, ये USB पोर्ट है, ये HDMI पोर्ट है, आगे डिटेल में दिखाऊंगा आपको। स्टोरेज अपग्रेडेबल अप टू 1 TB SSD आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, 2 भी कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रैम इसमें 16 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं आप, ठीक है बेस्ट है, 16 GB मोर देन इनफ है इस बजट में। और वेस्टाइल पोर्ट के बारे में देख लीजिए, मीडिया कार्ड आप यहाँ लगा ही सकते हैं। USB-C टाइप 5 GBPS गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से आप डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। RJ पोर्ट आपका लैन वायर जिसको हम कहते हैं 1 सुपर स्पीड 5 GPS HDMI पोर्ट ये रहा। उसके बाद इन्होंने एक USB पोर्ट दिया है स्लिप एंड चार्ज, यानी कि स्लिप एंड चार्ज का मतलब क्या, मान लो मैं पावर बैंक यूज़ नहीं करता, लैपटॉप चार्ज करा, बैग में डाला, ऑफिस जाते वक्त USB केबल ठोकी, फ़ोन कनेक्ट करा और फ़ोन चार्ज हो जाएगा, लैपटॉप ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट लैपटॉप आप देखने वाले हैं दोस्तों ये है हमारे पास तीसरा ऑप्शन, HP पवेलियन गेमिंग 10th जनरेशन इंटेल i5 15.6 इंच सेम साइज के सारे लैपटॉप हैं, ऑफिशियल लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप का कॉम्बिनेशन आप ये देख रहे हैं, फुल HD गेमिंग लैपटॉप है ये, HP पवेलियन की सीरीज है, 10th जनरेशन कोर i5 हैगा ये सर। और इसकी भी डिस्प्ले जो फ्रिक्वेंसी रिफ्रेश रेट है वो 144 GHz है, GTX 1650 टाइटेनियम 4 GB ग्राफिक है इसके अंदर भी, विंडो 10 MS ऑफिस 2.28 kg इसका वेट है, एक नंबर का सुपर लैपटॉप है ये भी। कीमत है इसकी 62,000 रुपये यार, 2,000 रुपये आप अगर डाल सकते हैं ना तो मैं कहूँगा इस लैपटॉप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मस्त लैपटॉप है ये। और इस पर डिस्काउंट पड़ रहा है आपको फिलहाल 18,000 रुपये का जो अमेज़ोन पर पड़ रहा है। EMI स्टार्ट है 2,000, लेकिन नो कॉस्ट EMI ही सेलेक्ट करना सिर्फ परचेज करते वक्त। इसकी वीडियो देखनी है तो ये देखिए, इसका इंट्रो आपके सामने है, स्मॉलर फ्रेम देन बिफोर, मतलब सेम ही है पिछले वाला फ्रेम। वीडियो पोस्ट करते हैं आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जा रही है एक एक कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में लैपटॉप के। 10 जनरेशन प्रोसेसर i5 10300 इंटेल में आते ही आपकी जो टर्बो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ गई, कितनी चलेगी बेस से उसके बाद ऊपर 4.5, जब आप कोर गेमिंग करेंगे 2.5 HD L3 MB के 8 MB कैसे है AMD से ज़्यादा, 4 कोर यानी कि 8 थ्रेड इस सिस्टम के अंदर आपको मिलेंगे। मेमोरी स्टोरेज 8 GB DDR4 2933 की इसके अंदर रैम है जो कि ठीक है गेमिंग के लिए, मेरी रैम भी इतनी है अभी। और एक 1x8 का मतलब है इन्होंने एक रैम लगा रखी है जो कि 8 GB की है और आप इसको 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। 256 GB PCI NVMe M.2 SSD है, 256 GB M.2 SSD ही 2,500 रुपये की है आज की डेट में। 1 TB हार्ड डिस्क 7200 RPM 6,000 रुपये की हो गई SATA STD, तो मस्त कॉम्बिनेशन है गेमिंग के लिए, अपनी गेम अपनी 2-3 गेम इसमें डाल लो 256 GB में और डेटा स्टोर कर लो आप अपनी हार्ड ड्राइव में। ग्राफिक्स NVIDIA GeForce GTX 1650 है, मैं इसकी प्राइसिंग आप नेट पे चेक कर लेना, 1920 फुल HD है ये, IPS माइक्रो एज एंटी क्लियरेंस 250 nits इसकी है जो लाइट ब्राइटनेस है, इसको निट्स में मेजर करते हैं हम। 445% NTSC रिफ्रेश रेट मैं बता चुका हूँ, गेमिंग PC है तो 144 होगा, मस्त मजा आएगा गेम खेलने में और स्ट्रीमिंग करोगे तो वो भी ज़बरदस्त होगी ट्विच वगैरह पे। ऑपरेटिंग यूट्यूब पे क्यों नहीं मैटर करता 144, क्योंकि यूट्यूब पे आप 60 जो फ्रेम पर सेकंड है उससे ऊपर सेलेक्ट कर ही नहीं सकते लाइव स्ट्रीमिंग में बाय डिफ़ॉल्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉल आएगा इसके अंदर, विंडो 10 जो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आएगा और उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं विंडो 11 में। वीडियो थोड़ी फास्ट है क्योंकि 5 सिस्टम है, अभी हम तीसरे पर पहुँचे और फिर से वीडियो लेंथी होती जा रही है, इसलिए थिन लैपटॉप है। 2.3 mm ये इसकी डिटेल है, इसके अंदर पोर्ट देख लो, एक HDMI पोर्ट मिलता है आपको,
ये आपको मिलता है USB 3.1 जनरेशन 1 टाइप ए पोर्ट, उसके बाद ये आपका लैन वायर हो गया, 3.1 सेकंड सी टाइप पोर्ट हो गया, मीडिया रीडर हो गया, मैक्रो कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको वही आपका माइक हेडफोन के लिए 1 पोर्ट मिलेगा, USB 3.1 आप इन दोनों में लगा सकते हैं। और ये क्या है, वाइड बैंड मैक्सिमाइज एयर फ्लो। प्रोसेसर हीट करेगा ना, गेम खेलोगे जब इतनी हैवी तो उसको ठंडा रखने के लिए इन्होंने इनको बड़ा वाइड पोर्ट बनाया, जिससे ये आपकी एयर फ्लो मेंटेन रहे, जिससे प्रोसेसर आपका ज़्यादा हीट ना करे। तो ये लुक है कुछ इतना मोटा आपका पीसी। मैं बता रहा हूँ जितने पीसी मैंने यहाँ ऐड करे ना, वो एक से एक बेहतर लैपटॉप है। ठीक है, पीसी बोलने की आदत है मेरी, तो आप लैपटॉप ही समझ लो कि लैपटॉप है, और आपको लिटरली ये चलाने में मज़ा आने वाला है। सर मेरे पास एक डब्बा लैपटॉप पड़ा है, इसका रिव्यू दूंगा अगली वीडियो में। मैंने ये 60,000 का ख़रीदा है और अब मैं पछता रहा हूँ मैंने क्यों 60,000 का ख़रीद लिया, वो मार्केट से मैं यहीं से क्यों नहीं ख़रीद पाया। MSI GF75 थिन इंटेल, MSI गेमिंग के लिए जाना जाता है, आपको पता होगा यार, गेम के शौकीन हो तो। इंटेल i5 10300H सैम प्रोसेसर, 17.3 एक इंच ये डिस्प्ले साइज बढ़ गया है हमारा, 15 पॉइंट कुछ था या 16 देख लो पीछे जाके, अभी 17.3 पर आ चुके हैं। रिफ्रेश रेट हुई 144 है, अब इसके बारे में देख लो कुछ डिटेल। इंटेल i5 300 सैम प्रोसेसर, 144 8GB रैम, 512GB NVMe 8000 रुपये की अगर सैमसंग की लगी हुई तो। विंडो 10 होम, NVIDIA GTX 1650, 4GB DDR6 ग्राफिक कार्ड है, और भाई और क्या लोगे यार, अगर 61,000 में ये मिल रहा है, 10 ये इसका कोड होगा कोई, मतलब इस सिस्टम का, आपको नेट दुकान से डिटेल लेनी है तो जाके, कि दुकान से कंपेयर कर रहे हैं, पर ऑनलाइन परचेस करना है, जो लिंक दिए वहाँ से परचेस करना है, ताकि ओरिजिनल और जेन्युइन प्रोडक्ट पे जाओ, जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करें, नो कॉस्ट EMI सेलेक्ट करना, परचेस करना है तो। अब इस लैपटॉप की वीडियो बड़ी सेक्सी थी यार, एक बार देखो, ज़रूर देखो, ये इसका इंट्रो है कुछ, ये आपका RTX GeForce 10 जनरेशन i7 का यहाँ पे वीडियो है, बट ये i5 के लिए मैं इंट्रो कर रहा हूँ, पर लिटरली परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है इस सिस्टम की। अब इस लैपटॉप के बारे में जानकारी दी, ये मैं आपको डिटेल बता ही चुका हूँ, मैक्सिमम ये 4.5 टर्बो पे जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम 10 आ रहा है, इसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। प्री इंस्टॉल MSI बर्न रिकवरी क्या, सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए, विंडो काम नहीं कर रही, सिर्फ एक F1 की दबाओ, सिस्टम दोबारा रिस्टोर, कोई टैक सपोर्ट की जरूरत ही नहीं। डिस्प्ले आपकी बड़ी है बिगर है, वीडियो एडिटिंग में भी ईजी रहेगी और गेम खेलने में भी। तो आप शुरू के 3 लैपटॉप छोड़ के इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। IPS लेवल 144Hz थिन बेजल किसको कहते हैं, ये जो है ना, ये जो हिस्सा होता है इसको बेजल कहते हैं। 45% NTS है, थिन बेजल मतलब बहुत ही पतली रखी है। मेमोरी स्टोरेज 8GB रैम DDR4 3200mAh सर, ये हम कंपेयर कर चुके हैं AMD को इंटेल में, हमने AMD की रैम, AMD में जो आपने ऑफर देखा था सेकंड लैपटॉप में 3200mAh का, सेम रैम अब आपको यहाँ पे मिल रही है आपके MSI, इसीलिए तो MSI जाना जाता है गेमिंग के नाम पर, और क्यों जाना जाता है सर। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है आप यहाँ देख रहे हैं, 512 NVMe SSD है यहाँ पे, NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR6 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, अल्ट्रा थिन एंड लाइट डिज़ाइन लैपटॉप, वेट 2.2 kg, फेंक के मारो लड़ाई में, मजाक कर रहा हूँ। कीबोर्ड जो है इसका स्टील सीरीज है, रेड बैकलाइट है, पूरा रेड है, पिछले वालों में मल्टी कलर था। कैमरा HD है, यानी कि 30 फ्रेम पर सेकेंड, अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 30 फ्रेम पे ही है, तो कुछ ऐसा आपका कैमरा है, पर 720, ये वीडियो 180 पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और माइक्रोफोन बिल्ट इन आता है हर उसके अंदर सिस्टम में। लुक बड़ी ज़बरदस्त लगी मुझे इस सिस्टम की यार, आपको इसके अंदर ये चार्जिंग पोर्ट हो गया, ये USB पोर्ट, ये दोनों USB, ये HDMI पोर्ट हो गया, लैन वायर सी टाइप, फिर HDMI पोर्ट, ये आपका एक माइक एक ऑडियो, ठीक है, और ये एयर वेंट है अगर आप जानना चाह रहे हैं तो। अब इंटेल इनसाइड है इसके अंदर, ड्रैगन सेंटर, ये हाँ मैं आपको बता रहा था, NVMe M.2 चिप का होती है, ऐसी होती है डायरेक्ट मदरबोर्ड पे इस तरीके से लग जाती है, क्योंकि ये मदरबोर्ड पे बीच में कोई और इंटरफेस नहीं है, रोटेटर नहीं है, हार्ड ड्राइव नहीं है, इसी वजह से ये 3-4 गुना फास्ट होती है आपकी नॉर्मल SSD से, और हार्ड ड्राइव से तो ये बहुत फास्ट होती है। हार्ड ड्राइव का सिस्टम स्टार्ट होने में 30 से 40 सेकंड ले लेता है सर, और ये स्टार्ट हो जाती है आपकी, मेरा सेकंड 8-9 सेकंड में चालू हो जाता है ये समझ लो। कूलर बूस्टर आपके जो इसके फ़ैन यूज़ करें, इन्होंने बाकी ज़बरदस्त फ़ैन है यहाँ पे, मैं इमेज नहीं है मेरे पास कोई, NVMe PCIe स्टोरेज इन्होंने यूज़ करा है M.2, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रोग्रामिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते ही हैं, गेमिंग के लिए तो मस्त है ही, सूटेबल फॉर कंटेंट क्रिएशन के लिए भी सुपर है, तीनों जो ज़बरदस्त काम हैं जिनके लिए हैवी सिस्टम चाहिए उसके लिए ये पास है।
आगे किस लेवल की, पहले सिस्टम में एंट्री लेवल से ऊपर थे, यहाँ मिड रेंज में आप आ चुके हो, मिड रेंज भी पार कर जाओगे। पबजी स्ट्रीम के लिए चाहिए GTA V.2, काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव फ्रंट लाइन लीग ऑफ लीजेंड फीफा 20 डॉम इलिटल नीड। अरे यार जो गेम यूट्यूब पे ट्रेंड करती है ना वो आप यहाँ बैठ के खेल सकते हो, स्ट्रीम कर सकते हो। इनकी रिक्वायरमेंट है 80 फ्रेम पर सेकेंड। और आप कितने फ्रेम लेके बैठे हो, यहाँ आप लेके बैठे हो सर यहाँ पे 144 हर्ज़, यानी कि 144 फ्रेम पर सेकेंड। उसके बाद i5 S सीरीज है, वैसी न्यू सीरीज आई है इंटेल की। अब नेक्स्ट और फाइनल लैपटॉप है हमारे पास लेनोवो आइडियल पैड। लेनोवो मुझे पसंद है क्योंकि इसका प्राइस हमेशा कम रहा है, समझ रहे हो, लेनोवो का प्राइस आपको कम मिलेगा और चीज़ों की क्वालिटी उतनी बुरी नहीं है। मेरे पास लेनोवो का एक सिस्टम है 2012-13 में मैंने परचेस करा था, या 12 में, 2021 में अभी मैंने वो एक फ्रेंड को दे रखा है, वो यूज़ कर रहा है उसको और अभी वो काम कर रहा है। हालांकि परफॉर्मेंस देखो डाउन जाएगी पर अब भी चल रहा है, यानी कि 10 साल पूरे होने वाले हैं। तो लेनोवो मुझे पसंद आया और इसकी सर्विस अच्छी है। लैपटॉप की बॉडी मुझे पता नहीं इसकी कैसी रहेगी, आप ऑर्डर करना समझ आए ठीक है, नहीं तो रिटर्न मारने का ऑप्शन आप पे है। परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओ और परचेज कर लो क्लिक करके। ओरिजिनल प्रोडक्ट लेनोवो आइडिया पैड है, गेमिंग 3 इंटेल i5 10 जनरेशन है ये भी, सेम डिस्प्ले इसकी है और ये जो है NVIDIA GTX 1650 4GB सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ रहा है। सिर्फ इस कलर की लाइट इसमें जलेगी, ऑनेक्स ब्लैक कलर है इसका और ये इसका कोड है 54,000 रुपये, 16,000 डिस्काउंट है, 71,000 इसका प्राइस है और 16,000 डिस्काउंट पे आपको ये 55,000 का मिल रहा है अगर आप इसके शौकीन हो। आप इसको विंडो 11 में अपग्रेड कर सकते हो। 10 जनरेशन i5 300H सैम स्पीड 2.5 GHz 4.5 मैक्स है, 4 कोर 8 थ्रेड 8 MB कैश है इसके अंदर, प्री लोडेड मैं बता ही चुका हूँ। रैम 16 GB तक आप इसमें अपग्रेड कर सकते हो, 8 GB रैम है 2933 के साथ, फ्रिक्वेंसी 26, 66, 29, 33। NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर, डिस्प्ले ये है, कूलिंग 5th जनरेशन थर्मल इंजीनियरिंग ड्यूल फैन इसमें यूज़ करें कूलिंग के लिए, वाओ गजब। एनहेंस डेडिकेटिंग हीट सिंक है, क्यू कंट्रोल है, 3-sided नैरो बेजल है, बहुत छोटे मतलब थिन बहुत ही, ताकि ये डिस्प्ले एरिया बढ़ जाए। 53.6 FHD IPS एंटी ग्लेयर है, क्लियरिटी आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पे 2250 नाइट निट ब्राइटनेस है इसकी और 60Hz रिफ्रेश रेट है, जिसका रिफ्रेश रेट है वो 60Hz का है। तो ये इस लैपटॉप का सिस्टम है, आप देख लो फैनिंग जो कूलिंग सिस्टम है वो ऐसा है, जितने अब तक के लैपटॉप देखे उससे थोड़ा मैं इसको फील उतना नहीं ले पा रहा हूँ, पर हाँ ठीक है, ये नहीं कहूँगा बुरा लैपटॉप है। अगर आपका बजट है मैं कहूँगा वो 62,000-61,000 वाला जो लैपटॉप था ना, या MSI पे आप जाके देखना। दिस प्रोडक्ट कम्स प्री बिल्ड, इसकी वारंटी सपोर्ट गजब है, मगर 1 ईयर ऑन साइट वारंटी इस पर आपको मिल रही है, 1 ईयर एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, 1 ईयर 24/7 प्रीमियम केयर आपको मिल रही है, और क्या चाहिए, 4.5 क्लॉक इसकी टॉप स्पीड है, 4 कोर 8 थ्रेड सिस्टम है ये आपका। और ये इसकी कुछ वीडियो है सर, पसंद आए तो देख लेना, परचेज कर लेना। ये लुक है सिस्टम की, हर चीज़ में कामयाब है, गेम खेलनी है खेल लो, ये लो पबजी आ गई आपकी, और क्या चाहिए, कैमरा लुक आइडिया पैड गेमिंग 3i 3rd जनरेशन है ये इसकी, लेना होगी कुछ इस तरीके की लुक, दिस स्पीकिंग पीक गेमिंग 11 जनरेशन का ये वीडियो है, लेकिन दोनों मॉडल लुक वाइज सेम है। तो ये वीडियो थी बेस्ट कंप्यूटर की, करना क्या है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है, परचेस करिए, कोई और क्वेश्चन है आपको आंसर मिलेगा। कंप्यूटर असेंबलिंग की वीडियो कल या परसों आ जाएगी, अपना कंप्यूटर गेमिंग पीसी बनवा रहे हैं तो क्या क्या पार्ट आपको परचेस करने हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रखें। उसके बाद इवनिंग में वीडियो आएगी कि कौन सी डिस्प्ले बेस्ट है गेम खेलने के लिए, नॉर्मल डिस्प्ले कौन सी बेस्ट है, किस डिस्प्ले पर ऑफर है, उसकी वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी। किसी वेबसाइट पर जाकर प्राइस चेक करने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन वीडियोज़ आपको देने वाला हूँ मैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स रिव्यू के लिए। तो गाइस वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करके। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ स्टे हैप्पी।